समय, ताकि आप सभी तक जो है लेटेस्ट अपडेट पहुँचे कि क्या सिचुएशन है यहाँ की, तो किस तरह से यहाँ पे जो यहाँ की कंपनी है काम में लगी हुई, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अपना 100% देने की कोशिश करी ताकि लोगों को आने वाले दिनों में राहत पहुँचे। तो आप इस समय देख सकते हैं किस तरह से लोग पैदल मार्च सफ़र कर रहे हैं। तो ये किस तरह से इस समय लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, हर एक इस समय पैदल मार्च कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि उतना लंबा सफ़र नहीं है, कम से कम 5 मिनट लगते हैं इस एरिया को क्रॉस करने के लिए लगते हैं, तो अगर नॉर्मल भी आप चलेंगे तो। उसके बावजूद यहाँ पे गाड़ियों को बिल्कुल बाइक तक नहीं गुजर सकती, आपको वो भी हम दिखाएंगे लाइव, जो वीडियो हमारा होगा पूरा एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कितनी यहाँ पे दिक्कतें हो रही है समय, चाहे यहाँ के जो पैसेंजर है, चाहे वो श्रीनगर से आ रहे हो, जम्मू से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो। ये जो जहाँ पे जो डैमेज हुआ ब्रिज पूरा आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ अगर जो साइड पे जो एक इंसान सिर्फ खड़ा रह सकता है, तो ये जहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी के जो एम्प्लॉई है वहाँ पे खड़ा है, बाकी किसी को भी यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है इस जगह से, बाकी जितने भी लोग हैं वो पैदल सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी टीम भी पहुँची हुई है, और जो ये नीचे काम लगा हुआ है बेस इसकी तकरीबन इनने बना दी है, ये देख सकते किस तरह से जो दीवार क्रैक हुई है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ से लोग गुजरते हैं उनकी वजह से नीचे जो काम कर रहे थे उनको दिक्कत हो रही है। तो ये यहाँ पे समय यहाँ पे आपको बताते चले, जो क्यूआरटी रामबन है वो भी टीम यहाँ पे अवेलेबल है, और एनजीओ बानीहाल वॉलंटियर्स की टीम वो भी मौजूद है। तो सिचुएशन इस समय यही है, बिल्कुल रास्ता बंद है, कोई चांस अभी जो हम लाइव देख रहे हैं समय 4 से 5 दिन बिल्कुल यहाँ पर कोई चांस नहीं, उसके बाद ही कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो फिर ही आप सफ़र इस हाईवे पे करें। अगर आपको इसी तरह पैदल चलना तो काफ़ी आपको मुश्किल हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस पर साइकिल, एक छोटा सा साइकिल नहीं गुजर सकता तो इंसान कहाँ से गुजरेगा। ये बिल्कुल एक जो सी यहाँ के जो एम्प्लॉय है वो खड़ा है, वो भी लोगों को रुकाने के लिए।
हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं उन तक पहुँचे। तो हमारे साथ यहाँ पे जो एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर्स के कुछ वॉलंटियर भी पहुँचे हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ सैयद मुदस्सिर भी जुड़े हैं। सैयद मुदस्सिर साहब, कब पहुँचे हो आप इस लोकेशन पे? बस हमें 5-10 मिनट हो गए। तो क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अभी जो यहाँ पे सिचुएशन जो शहदोमत से जारी है, जो यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी सीपीपीएल काम कर रही है? थोड़ा जोर से सर। दो दिन पहले यहाँ पर 6 बजे के टाइम एक पुल जो केला मोड़ के मुकाम पर है, वो उसको काफ़ी नुकसान हुआ। हम आज ग्राउंड लेवल पर खुद आए हैं, मेरे साथ पूरी जो एनजीओ बनिहाल वॉलंटियर की टीम, क्विक रिएक्शन टीम जो रामन की है वो भी यहाँ पर तैनात है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामन की अगर बात करें, यहाँ पर पुलिस के जो उनको भी डिप्लॉय किया है, क्योंकि यहाँ पर ये पुल डस गया है, बिल्कुल आप कैमरा में दिखा सकते हैं। किसी भी आदमी को यहाँ पर पैदल सफ़र आने नहीं देते, उनको जो दूसरे साइड से उनको जाना है, बिल्कुल यहाँ पर आर्मी और सीआरपी पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है, क्योंकि बिल्कुल मना कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। जो पैदल सफ़र जिसको भी करना है वो उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तौर वहाँ से रास्ता है। तो भाई कल भी यहाँ एक डेड बॉडी जो डोडा की थी उसकी सिक्किम्स में मौत वाका हुई थी। कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी हमने मदद लिया और क्विक रिएक्शन टीम। आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो डेड बॉडी है तो वो कहाँ से आ रही है और कहाँ? डेड बॉडी ये द्रबगाम कुछ पुलवामा की है, एक ओल्ड एज जो बीमार था जम्मू में काफ़ी देर से जीएमसी में। आज सुबह ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली SHO बनिहाल की तरफ से कि आप वहाँ पर एम्बुलेंस लेकर जाओ और अपनी टीम। फिर मैंने रब्ता किया यहाँ पर जो क्विक रिएक्शन टीम रामन की है, बशीर साहब उनके हेड हैं, उनसे भी फिर रब्ता किया, उन्होंने भी अपनी टीम यहाँ पर केला मोड़ के मुकाम पर तैनात की है। तो बस उन्होंने इस वक्त नाचरी क्रॉस किया है, जो जम्मू से उन्होंने एक एम्बुलेंस के ज़रिए उसको यहाँ केला मोड़ तक लाया। केला मोड़ में हम इसको जॉइंटली क्विक रिएक्शन टीम रामन NGO बनिहाल वॉलंटियर टीम, हम इनको ट्रांसशिप करके बनिहाल जो हमने वहाँ से एम्बुलेंस लाई थी यहाँ से लेकर उसको बराबर जहाँ पर ये रहते हैं द्रबगाम पुलवामा तक हम इस एम्बुलेंस को ले जाएंगे। बाकी मेरी सब इस NGO बनिहाल वॉलंटियर पेज की माध्यम से गुजारिश है तमाम व्यूवर्स की मेहरबानी करके, हाथ जोड़ से आपसे मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे बेफजूल श्रीनगर जम्मू कौमी सड़क पर सफ़र ना करें, क्योंकि अभी मज़ीद 5 दिन लग सकते हैं, 5 दिन, क्योंकि अभी 2 ही दिन हो गए शहदोमत से काम जारी है। ग्राउंड लेवल पर हम इस वक्त जो भी CPL के जो एम्प्लॉय है वो लगे हैं, बाज़ाब्ता तौर इन्होंने जितने भी जो मशीनरियाँ है यहाँ पर कंपनी के उन्होंने यहाँ पर तैनात की है, लेकिन बेफजूल ऐसे प्लीज डू नॉट ट्रेवल, समझो ऐसे सफ़र ना करें। अगर आना भी है तो आपको ट्रांसशिप करना है क्या बोलते हैं रामन, जम्मू से लेकर रामन से आपको बाजब्त तो केला मोड़ में पैदल सफ़र करना है, फिर यहाँ बनिहाल के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामन ने गाड़ियाँ तैनात की है जम्मू से लेकर रामन तक, रामन से लेकर आपको जो केला मोड़ से वो बाजब्त तौर आपको एक गाड़ी मिलेगी बनिहाल तक, बनिहाल से फिर जहाँ पर आपको जाना है वैली की तरफ आराम से जाना। जी, कहने का मतलब यही है कि काफ़ी मुश्किल हो सकती है अगर इस हाईवे पर आप सफ़र करेंगे, तो किस तरह से लोग सफ़र करें पैदल, कितनी प्रॉब्लम हो रही है समय आप देख सकते हैं। चाहे यहाँ पे CRPF हो या आर्मी हो या पुलिस हो, वो भी लगी हुई है क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे एक ही कोशिश है किसी की कोई ऐसी कैजुअल्टी ना हो जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो, तो कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसे वाका यहाँ पे ना हो जिसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये तभी हो सकता है अगर पॉसिबल, आप ये देख सकते हैं इस समय जो लंच टाइम चल रहा है, जो यहाँ पे एम्प्लाई लगे हुए बेचारे 24 घंटे से, इनकी भी हम तारीफ करेंगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा काम करे, 24 घंटे लगे हैं जब से स्लाइड आई हुई यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप सीधा सीधा किस तरह से खाना खा रहे हैं यहाँ पे, तो शिफ्ट वाइज भी यहाँ पे कुछ काम देखने को मिला है, हालांकि समय लंच टाइम है।
क्या मसला हो गया? लफज हो गया यार, क्या बात कर रहा है किसी से भी? ओ मेरे भाई, लफज हो गया, वो लफज हो गया, वो लफज होता है यार, ये बात करता है। इधर से चार दिन बाद निकल गया, छह मोटरसाइकिल जाओ तो भाई ऐसे रास्ते आएगा, नुकसान तो होगा भाई। पता क्या रास्ता ही नहीं है। जनाब ये देखो जनाब, अभी ये मिसाल पे आती कि बाइक जाती मारी जाती